सभी को नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई के अंदर मस्त होंगे, अपने जीवन के अंदर मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भाई अनुचित भिन्न। हम किसे कहते हैं, जिसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसे हम कहते हैं। और जिन बच्चों के इस अनुचित भिन्न के बारे में जो डाउट है वो सभी क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ आप क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक उसे जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को आप सिर्फ आप लाइक जरूर करना, चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन पढ़ेंगे, जिसको हम परिभाषा कहते हैं, उसकी परिभाषा के बारे में हम जानेंगे। और गारंटी है भाई, आप अगर इस डेफिनेशन को याद कर लेते हैं तो आपको अनुचित भिन्न के बारे में अच्छी तरह से ज्ञान हो जाएगा। तो अनुचित भिन्न, तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। अनुचित भिन्न किसे कहते हैं, अनुचित भिन्न के बारे में हम जानेंगे। जिस भिन्न में जिस भिन्न में अंश बड़ा और हर छोटा हो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं, अनुचित भिन्न कहते हैं, अनुचित भिन्न कहते हैं। भाई दोस्तों, हम किसे कहेंगे भाई, जिस भिन्न में अंश बड़ा हो, जिस भिन्न में अंश और हर के बारे में हम जानेंगे भाई, अंश किसे कहते हैं और हर हम किसे कहते हैं। भाई जिस भिन्न का अंश बड़ा हो, हर छोटा हो उसे हम अनुचित भिन्न कहते हैं, ये इसकी परिभाषा है। भाई जिस भिन्न में अंश बड़ा और हर छोटा हो उसे हम अनुचित भिन्न कहते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है हमारे इसके अंदर, एग्जाम्पल हम उदाहरण लेंगे। जैसे हमारे पास 3/2 और 7/4 और 9/5 और 11/4, 15/7। देखो अंश किसे कहते हैं, ऊपर वाला जो अंक होता है, ऊपर जो संख्या होती है उसको हम बोलते हैं अंश, उसे हम क्या कहते हैं अंश। नीचे की संख्या को क्या कहते हैं, हम हर कहते हैं। अगर देखो इसके अंदर जैसे 3/2 दिया गया है तो इसमें 3 बड़ा है और 2 छोटा है। इसमें 7/4 दिया गया है तो 7 बड़ा है और 4 छोटा है, ये भी क्या है, अनुचित भिन्न है। इसमें 9 बड़ा है और 5 छोटा है, ये भी क्या है, अनुचित भिन्न है। इसमें 11/4 तो 11 बड़ा है और 4 छोटा है, तो ये भी क्या है, अनुचित भिन्न है। तो इसमें 15/7 दिया गया है तो 15 इसमें क्या है, बड़ा है और 7 इसमें क्या है, छोटा है। तो ये इसकी डेफिनेशन है और एग्जाम्पल के साथ हमने इसको समझाया भाई, अनुचित भिन्न हम किसे कहते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। भाई हमारी गारंटी है, अगर आप इसे डेफिनेशन को याद कर लेते तो आप अनुचित भिन्न के बारे में नहीं भूलेंगे। और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ज्यादा से ज्यादा और बेल प्रेस जरूर करना, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी दोस्तों तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।